हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपसे 1 अगस्त के इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। जल्द ही हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोज की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस मॉडल को लागू करने संबंधित दिशा निर्देशों को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसमें आंसर आएगा सामरिक भागीदारी मॉडल को। सामरिक भागीदारी मॉडल के तहत अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के निर्माण में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी स्वदेशीकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। और रक्षा मंत्रालय ने सामरिक भागीदारी मॉडल के तहत शुरू में लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और टैंक आदि को बनाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतर शिक्षा में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए किस एजेंसी का गठन किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। यूजीसी नेट, जेई मेन, नीट यूजीसी, मेट, सीपैट, ये सभी परीक्षाएं आयोजित करने का दायित्व राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया है और यह एजेंसी वर्ष में 2 बार परीक्षाएं आयोजित कराएगी और इसका उद्देश्य है एडमिशंस में ट्रांसपेरेंसी लाना और एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से लिया गया कर चुकाने के लिए पाकिस्तान को IMF बेल आउट पैकेज दिए जाने की बात की जा रही है? तो इसमें आंसर आएगा चीन से लिया हुआ कर्ज चुकाने के लिए और इसके ऊपर अमेरिका में बहस जारी है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पाकिस्तान ने चीन से $6 बिलियन का कर्ज ले रखा है। इसमें पाकिस्तान ने $1 बिलियन का कर्ज अपने कमजोर विदेशी मुद्रा भंडार में स्थिर करने के लिए चीन के बैंकों से लिया था। इसमें आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है, हाल ही में पाकिस्तान में चुनाव हुए थे तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनी है पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ और यह इमरान खान की पार्टी है और इमरान खान 11 अगस्त को प्रधानमंत्री की शपथ ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश की सरकार से PNB लोन डिफॉल्टर मामले के प्रमुख आरोपियों में से एक मेहुल चौकसी को गिरफ्तार करने के लिए कहा है? तो इसमें आंसर आएगा एंटीगुआ की सरकार को। मेहुल चौकसी भारतीय मूल और एंटीगुआन नागरिकता के व्यापारी है और भारत में 4,000 स्टोर्स वाले खुदरा आभूषण कंपनी गीतांजलि समूह के मालिक है और पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी के मामले में मेहुल चौकसी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया गया है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एंटीगुआ और बारबुडा, एंटीगुआ ये अमेरिका रीजन में आता है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में एक द्वीप समूह है जहाँ पे ये सभी द्वीप आते हैं। तो एंटीगुआ अमेरिका रीजन में आता है और इसकी कैपिटल है सेंट जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण 1 देश का दर्जा देकर उसके लिए हाईटेक प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए निर्यात नियंत्रण में छूट प्रदान की है? तो इसमें आंसर आएगा अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC ने हाल ही में किस क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों और स्टाफ के लोगों के बकाए का भुगतान करने के लिए फंड जारी किया है? तो इसमें आंसर आएगा जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के लिए। बोर्ड ने तय समय पर भुगतान नहीं कर पाने के बाद ICC से मदद मांगी थी और जिसके तहत उन्हें यह मदद प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स की जेवलियन थ्रो स्पर्धा यानी बाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में आयोजित साओ गेम्स में 29 जुलाई 2018 को कौन सा पदक जीत लिया? तो इसमें आंसर आएगा साओ गेम्स में भी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है और नीरज चोपड़ा ने भी इस साल ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुए कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल जीता था और नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को खंडरा गांव पानीपत हरियाणा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे होने पर लोगो जारी किया है? तो इसमें आंसर आएगा 60 वर्ष पूरे होने पर। और नासा यानी नेशनल
एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 यानी 1958 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक बच्चों और महिलाओं से दुष्कर्म संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए देश में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की जरूरत है? तो इसमें आंसर आएगा कानून मंत्रालय के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई 2018 को किस शहर में आयोजित ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप में हिस्सा लिया? तो इसमें आंसर आएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। केंद्र सरकार ने सत्ता में आने के बाद 3 अहम परियोजनाओं की शुरुआत की थी और ये परियोजनाएं थी स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। इन योजनाओं के 3 साल पूरे हो चुके हैं और जिसकी तीसरी सालगिरह के मौके पर योगी सरकार ने 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया और इसी कार्यक्रम को नाम दिया गया है ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अशोक लेलैंड से 81 हाई मोबिलिटी 10x10 वाहनों की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ का समझौता किया है? तो इसमें आंसर आएगा 100 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम राज्य ने लगभग 2.28 लाख लोगों को डी वाटर टैग प्रदान किया है, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो डी वाटर टैग का मतलब है डाउटफुल वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी दे दी गई है? तो इसमें आंसर आएगा लोकसभा के द्वारा। 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म पर 20 वर्ष की जेल का प्रावधान है जिसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं 12 साल से कम उम्र की बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा हो सकती है। दुष्कर्म के सभी मामलों की जांच अनिवार्य रूप से 2 महीने में और ऐसे सभी मुकदमों की सुनवाई 2 महीनों में पूरी करनी होगी और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा मोबाइल तिहार नामक योजना की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार की संचार क्रांति योजना के तहत मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर जिले की महिलाओं और कॉलेजों के विद्यार्थियों को फ्री स्मार्टफोन बांटकर प्रदेशव्यापी अभियान मोबाइल तिहार शुरू किया। अगर आपसे छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछी जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। आप मैप में छत्तीसगढ़ राज्य को हाईलाइट किया हुआ देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है रमन सिंह और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है बलराम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक व उपन्यासकार की 138वीं जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो इसमें आंसर आएगा मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर। मुंशी प्रेमचंद का पूरा नाम दनपत राय है और इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था और इनका जन्म वाराणसी के लैमी गांव में हुआ था यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान और गबन और इनकी भाषा थी हिंदी और उर्दू जिसमें ये लेख लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण द्वारा देश की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में उभरकर सामने आई है? तो इसमें आंसर आएगा देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन शंकर मंगलम जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा वे फिल्म निर्माता हैं और वे इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे के पूर्व निदेशक भी थे। अपने लंबे कैरियर के दौरान जॉन ने 2 नेशनल और 4 केरल राज्य फिल्म अवार्ड जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को प्रकाशित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा असम राज्य के नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय नहीं कर रहा है? एसबीआई के साथ
पांच सहयोगी बैंकों के विलय हेतु संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ, और ये पांच बैंक है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। तो इसमें आपका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ पंजाब, भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2018 का मेजबान नहीं है? यह खेल 28 जुलाई से 11 अगस्त तक 7 देशों में अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, ईरान, कजाकिस्तान, चीन और रूस में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें आपका आंसर होगा इराक में यह आयोजित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी संस्थान के निर्माण के दूसरे चरण की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो इसमें आंसर आएगा शिलोंग, मेघालय में। और केंद्रीय आयुष और राज्य मंत्री है श्रीपद येसो नाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा तीसरा ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल दक्षिण अफ्रीका के डरबन में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में कौन सी फिल्म चुनी गई? तो इसमें आंसर आएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में अमित मासुरकर की न्यूटन फिल्म चुनी गई, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनीता दास विलेज रॉकस्टार्स के फिल्म के लिए चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के सीईओ के रूप में किस पहली भारतीय अमेरिकी महिला को नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा सीमा नंदा को। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने डीजी यात्रा नामक नई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है, ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस है रेल यात्रा से, हवाई यात्रा से, बस यात्रा से, और इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने 18 गेंदों में 50 रन बनाकर सबसे तेज अर्धशतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? आपके ऑप्शन है एलिस पेरी, मिताली राज, लिंसी स्मिथ और स्मृति मंदाना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पा सकते हैं।